नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। गोरखपुर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। दिव्यांगजनों को सीएम योगी ने ट्राईसाइकिल और उपकरण दिए। गोरक्षनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ट्राईसाइकिल और उपकरण वितरित किए हैं। आप देखिए, ये पूरा कार्यक्रम गोरक्षपीठ मंदिर में चल रहा है। ये पूरा कार्यक्रम जहां पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने जो दिव्यांग थे उनको ट्राईसाइकिल और अन्य उपकरण दिए हैं। लखनऊ में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। बेरोजगारी को लेकर परिवर्तन चौक पर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ये पूरा प्रदर्शन कर रही है और इसमें लाठी चार्ज हुआ है। कार्यकर्ताओं ने डिग्री फाड़ करके विरोध प्रदर्शन किया। आप ये जरा तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पुलिस प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में बिठा रही है। परिवर्तन चौक में भारी पुलिस बल मौजूद था, जहां पर आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी उसने बाकायदा ये प्रदर्शन किया। आप देखिए किस तरह से पुलिस वाले जबरदस्ती इन छात्रों को हिरासत में ले रहे हैं। देखिए कैसे पुलिस की गाड़ियों में बिठाया जा रहा है। बाकायदा जो आम आदमी पार्टी की जो छात्र विंग है वो नारेबाजी कर रही है, बेरोजगारी दिवस मना रही है। आम आदमी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। संजय सिंह लगातार उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर सरकार के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं और अब जो छात्र विंग है, छात्र विंग बेरोजगारी दिवस मना रही है और परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन कर रही थी, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल पहले से मौजूद था और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गाड़ियों में बिठा करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश लाइव जुड़ रहे हैं। नीलेश, इस वक्त की क्या स्थिति है, क्या प्रदर्शनकारियों पर काबू पाया गया? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है, दूसरी ओर छात्र और युवा जो है वो बेरोजगारी दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। मैं इस समय आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि मैं इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पर मौजूद हूं, जहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि अगर 5-10 मिनट पहले की तस्वीरों की बात करूं तो गेट नंबर 1 पर भारी संख्या में आम छात्र पहुंचे थे जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। अभी भी देख सकते हैं कि छात्रों के हाथ में पोस्टर है और ये लगातार बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के नीलेश एक बार बात कीजिए इनसे। नीलेश, अगर बात हो सके तो एक बार बात कीजिए। चाहेंगे कि आज का जो प्रदर्शन है, आम छात्रों का प्रदर्शन है, क्या मांग है सरकार से? देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम लोग परेशान होकर आज बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि देश का युवा संविदा पे नौकरी नहीं चाहता, वो रोजगार चाहता। जिस तरीके से नोटबंदी, फिर जीएसटी, उसके बाद तालाबंदी से अपने गर्व, अपने को ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध करने के लिए लगा दिया गया था। देश के हजारों लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर रातों रात बेरोजगार हो गए। बिहार से महाराष्ट्र चल करके, मुंबई से चल करके बिहार तक पैदल यात्रा कर दिए, पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनके कोई चुनने वाला नहीं था और सब बेरोजगार हुए हैं। हम सब अपने मांग चाहते हैं कि हम सबको रोजगार मिले, क्योंकि अब बेरोजगारी एक कलंक की तरह लगता है। ये तो आत्मनिर्भरता कहते हैं, तो या तो बेरोजगारी का जिसे दिव्यांग कर दिए, विकलांग का नाम बदल के उसको भी आत्मनिर्भरता कर दें। और पकौड़ा बेचना कोई रोजगार नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की डिग्री लेके आज नेट यूजीसी क्वालिफाई के, जीआरएफ क्वालिफाई के बच्चे पकौड़ा बेचेंगे। तो ये वो तमाम छात्र हैं जो अपना दर्द सुना रहे हैं और भी छात्र यहाँ पर मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। आज जगह जगह पर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है, ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है आम छात्रों की? देखो, छात्र अभी तो तैयार हैं, अगर उनसे सरकार नहीं मान रही है तो आगे अपना कार्यक्रम रखेंगे और उसका विरोध जताएंगे। नीलेश, लाठी चार्ज की खबर आ रही है, आखिर सवाल ये है कि पुलिस द्वारा लाठी चार्ज क्यों किया गया है? घर उस पर कहीं छटनी हो गई? देखिए, बिल्कुल छात्रों से ही हम जानने का प्रयास करते हैं। तमाम जगहों पर आम छात्रों ने प्रदर्शन किया, तमाम जगहों पर छात्रों ने तमाम राजनीतिक पार्टियों के बैनर तले प्रदर्शन किया है। जगह जगह पर छात्रों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो योगी सरकार है, जिस तरह चाहे उस तरह करे,
छात्र का जो हक अपने हक के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, तो उनका काम है लाठी चार्ज करवाना, अपना करवा रहे हैं, हमारा काम है हक के लिए लड़ाई लड़ना, तो अपना लड़ाई। 2022 में फिर से उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर, खून बहा जो सड़कों पर तो आग लगेगी महलों में। देश का युवा नौजवान बेरोजगार आज जा चुका है और अपने हक के लिए, अपने रोजगार के भाइयों के हक के लिए सड़क से संसद तक की लड़ाई होगी। हम न झुके हैं, न मिटे हैं, न टूटे हैं, हम अपना संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। तो ये तमाम छात्रों का दर्द है जो लगातार अपना बयां कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर छात्रों के हितों का हनन होता है तो सड़कों पर उतरेंगे। अगर भारी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि पुलिस और छात्रों के बीच में झड़प होती है, कई जगहों पर हिंसात्मक झड़प होती है, उसके बाद गाड़ियों में आग लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, नीलेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लखनऊ में आम आदमी पार्टी के छात्र विंग के स्टूडेंट थे जो लगातार बेरोजगारी दिवस को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और जहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया है और छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। ये जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस और छात्रों के बीच में, जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनके बीच में झड़प भी हुई। आप ये देखिए जबरदस्ती, इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से पुलिस जबरदस्ती ठूंस रही है गाड़ियों के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि इधर कोरोना संक्रमण का एक तो जबरदस्त तरीके से खतरा बढ़ रहा है और बावजूद उसके अगर सैकड़ों छात्र बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के अगर सड़कों पर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर न सिर्फ कोरोना का खतरा इसको लेकर के बढ़ेगा बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और यही वजह है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हिरासत में लिया है और आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से पुलिस उठा उठा करके छात्रों को गाड़ियों में डाल रही है और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रही है। फिलहाल कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ा रही है। संजय सिंह सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग अब सड़कों पर उतर आई है। तो 2022 से पहले आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही है। और अब अगली खबर कानपुर से है। कानपुर में बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकार के खिलाफ हाथों में थाली कटोरा लेकर सपा कार्यकर्ता कर रहे थे प्रदर्शन। नारेबाजी के दौरान सपाइयों से पुलिस की जमकर धक्का मुक्की हुई है। बर्रा के सचान चौराहे पर हुआ है सपा कार्यकर्ताओं का ये पूरा बड़ा प्रदर्शन। तो लखनऊ के बाद अब कानपुर में भी बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सूरज, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या उनकी मांगे हैं और इस वक्त क्या कार्रवाई की गई है? जी विजय जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कानपुर में आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सुबह से बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी एक नजारा कानपुर के भर्रा के सचान चौराहे पर देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में हाथों में कटोरा लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं, उसके चलते कहीं ना कहीं से युवाओं को बड़ा झटका लगा है और सरकार जो है वो लगातार जो सरकारी नौकरियों में भी बदलाव कर रही है उसका वो विरोध करते हैं, जिसके चलते आज वो प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान बर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को जबरन गाड़ियों में भर भर कर उनकी गिरफ्तारी की गई और साथ ही साथ उनके खिलाफ मुकदमे की भी कार्रवाई पुलिस करने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, तो इस वक्त पुलिस, आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर, रोजगार जिस तरीके से छिन रहे हैं, नौकरियां जिस तरीके से जा रही हैं, उनको मुद्दा बनाकर अब समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने का मन बना चुकी है। आप देखिए सपा यूजन सभा के जो कार्यकर्ता हैं
वो आप देखिए किस तरीके से अर्धनग्न होकर के सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों पर तख्तियां लिए हैं, रोजगार दो रोजगार दो, तो वो तमाम तख्तियों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उनको उठाने की कोशिश कर रही है। तो आज सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस के साथ सफाइयों की धक्का मुक्की भी हुई। आप ये देखिए तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से पुलिस वाले गाड़ियों में ठूस करके सपा के कार्यकर्ताओं को ले जा रहे हैं और इसी को लेकर के पुलिस और इनके बीच में धक्का मुक्की भी हुई है। और कानपुर से ही अगली खबर इस वक्त आ रही है। कानपुर में उपचुनाव को लेकर के बीएसपी ने कुलदीप संखवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कुलदीप संखवार के प्रत्याशी बनने के बाद ही पार्टी के अंदर ही रार दिखाई देने लगी है। घाटमपुर विधानसभा से बीएसपी ने कुलदीप संखवार को प्रत्याशी घोषित किया है। कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण के देहांत के बाद घाटमपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और प्रत्याशी घोषित होते ही बसपा में गुटबाजी तेज हो गई है। गुटबाजी के कारण चित्रकूट मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी जितेंद्र संखवार को पार्टी से अनुशासनहीनता के आरोप में बाहर निकाल दिया गया है। मंडल सेक्टर जितेंद्र संखवार को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है बसपा के घोषित प्रत्याशी का विरोध करने के आरोप में। कुलदीप संखवार को टिकट मिला है घाटमपुर विधानसभा से। बीएसपी यूं तो उपचुनाव में शिरकत नहीं करती थी, लेकिन अब उपचुनाव में शिरकत कर रही है और घाटमपुर विधानसभा से, चूंकि कमला रानी वरुण की सीट खाली हुई थी उसके बाद वहां उपचुनाव होना, उसके लिए कुलदीप संखवार को प्रत्याशी घोषित किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गलत गतिविधियों के कारण कुलदीप संखवार 7 बार पार्टी से निकाले जा चुके हैं, बावजूद इसके उनको टिकट दिया गया है। पार्टी के आलाकमान से बड़े पदाधिकारियों ने कुलदीप संखवार की इस पूरी हकीकत को ही छिपा लिया। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अश्विनी निगम जुड़ रहे हैं। अश्विनी, कुलदीप संखवार के प्रत्याशी घोषित होने पर बीएसपी में किस तरीके की जो है गुटबाजी देखने को मिल रही है? कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की देहांत के बाद जो है घाटमपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, जिसके बाद बसपा ने जो है वहां से कुलदीप संखवार को प्रत्याशी बनाया। जबकि कुलदीप संखवार पहले से ही विवादों में रहे हैं, क्योंकि उन्हें 7 बार बसपा ने निष्कासित किया गया था, जिसके बाद उन्हें जब प्रत्याशी घोषित किया गया तो उसके बाद ही तुरंत ही यहाँ पे बसपा में गुटबाजी शुरू हो गई, जिसके चलते हुए जो मंडल चित्रकूट मंडल के जितेंद्र संखवार थे उन्हें निकाल दिया गया है। और इसके बाद अब इस मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, वहीं गाजियाबाद में भी प्रधानमंत्री का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूरे एक सप्ताह पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह ने दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी, साथ ही अन्य दिव्यांगों को कई उपकरण भी दिए। इस दौरान जनरल बीके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी देश की सेवा भाव से कर रहे हैं, ऐसे में उनका जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की खासियत यह है कि वह अंतिम छोर के व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। लखनऊ विधानसभा अध्यक्ष ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। हृदय नारायण दीक्षित ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर पूरा देश आह्लादित है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने
विश्व प्रतिष्ठा हासिल की है और वह सच्चे अर्थों में जन नेता, लोक नेता और विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने चहुंमुखी प्रगति की है, तमाम क्षेत्रों में आश्चर्यजनक काम हुए हैं। दुनिया में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के नेतृत्व में सामाजिक परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्राचीन योग विद्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का विषय बनी है। इसी प्रकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वच्छता का अभियान जन अभियान और सामाजिक अभियान के रूप में चला है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इसी प्रकार अनेक अभियान सामाजिक परिवर्तन के, आत्मनिर्भरता के, देश को महान बनाने के चले हैं और आज भारत की स्थिति, भारत की प्रतिष्ठा सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। हम सब बहुत स्वाभाविक ही आनंदित हैं। हम इस अवसर पर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि माननीय मोदी जी पूर्ण स्वस्थ दीर्घायु हों, उन्हें सूर्य का तेज मिले, चंद्र की आभा और प्रभा मिले, धरती और आकाश उन्हें दीर्घायु दें, सभी दिव्य शक्तियां दिक और काल माननीय मोदी जी के अनुकूल होकर चलें। हम इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं उनके जन्मदिवस पर देते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा, पूरा भारत वर्ष आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश हित में सख्त फैसले लेने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम मोदी हमेशा देश के हित और राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता करने वाले हैं। पीएम मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित कर दिया। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए ऐसे कड़े फैसले लिए जो असंभव था। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि पूरा भारत आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। आज पूरा भारतवर्ष अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि आज हमारे देश के यशस्वी सख्त निर्णय लेने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। हमेशा राष्ट्र के विषय में चिंतन करना, देश की सुरक्षा के विषय में चिंतन करना, पूरा जीवन अपना राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित। कानपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन स्वच्छता अभियान चलाकर मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया। दीप तिराहे पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की, शहर को साफ और स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया। तो कानपुर में भी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन की धूम देखने को मिल रही है। 70वें जन्मदिन पर बीजेपी पदाधिकारियों ने मां गंगा का पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन करके प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की प्रार्थना की गई। तो वाराणसी में भी पीएम मोदी का जन्मदिन
धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां गंगा की पूजन करके प्रधानमंत्री के लिए दीर्घायु होने की प्रार्थना की है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। आप ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी के गंगा घाट में मां गंगा का पूजन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। बीजेपी के पदाधिकारियों ने मां गंगा का पूजन किया है, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन किया गया है। दूसरी तस्वीर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में उनके 70वें जन्मदिन के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की बधाई दी। इस कड़ी में दाल मंडी क्षेत्र में सुबह से ही पीएम के जन्मदिन को उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। आप ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों तस्वीरें वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में की हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम समाज के लोग आतिशबाजी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो मां गंगा का पूजन कर रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बुलेटिन के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।